हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में, सुपर स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल अहलावत। दोस्तों, हमने आपके लिए टाटा मोटर्स की ढेर सारी गाड़ियों को चलाया है और उनका रिव्यू किया है, लेकिन क्या टाटा मोटर्स के पास सिर्फ गाड़ियां हैं? नहीं, कंपनी के पास कमर्शियल व्हीकल का भी एक लंबा लाइनअप है, चाहे वो छोटा हाथी हो यानी टाटा एस हो या फिर बड़े बड़े ट्रक्स और बसेस हो, और इनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो इसी एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए और आपको ज्यादा डिटेल देने के लिए कंपनी के कमर्शियल लाइनअप के बारे में हम आ गए हैं देश की सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी टाटा मोटर्स की एक फैसिलिटी में। यहां हम जानेंगे कि कंपनी ने अपने कमर्शियल व्हीकल में क्या कुछ नया दिया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, RDE नॉर्म्स के बारे में हम काफी दिनों से सुन रहे हैं। इस नियम की वजह से सभी कंपनियों को अपने व्हीकल्स को अपग्रेड करना पड़ रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स ने एक कदम आगे जाते हुए न सिर्फ अपने कमर्शियल व्हीकल को इस नियम के मुताबिक अपग्रेड किया है, बल्कि ढेर सारे नए और बेहतरीन फीचर्स भी दिए हैं। तो ये जो वीडियो है वो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि RDE नॉर्म्स आखिर हैं क्या। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि टाटा मोटर्स किस तरह से अपने कमर्शियल व्हीकल्स को सस्टेनेबल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। तो आसान भाषा में समझते हैं कि RDE नॉर्म्स यानी बेसिक फेस टू आखिर है क्या। दरअसल इस नियम के आने से पहले तक गाड़ियों के जो उत्सर्जन है यानी जो हानिकारक गैसेज निकल रही है गाड़ियों से, उनको टेस्ट किया जाता था लैब में और उसके बाद ग्राहकों को बेच दी जाती थी। लेकिन अब इस नए नियम के मुताबिक आपको अपने वाहन में यानी कंपनियों को अपने वाहन में एक ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा जो लगातार इससे होने वाले उत्सर्जन को मापता रहे। कुल मिलाकर BS6 फेज 2 में जो वाहन आ रहे हैं वो अब कम प्रदूषण करेंगे। इसके अलावा जो इंजन में ट्यूनिंग की गई है उसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस भी बेहतर मिलेगी और माइलेज भी बेहतर मिलने वाला है। लेकिन टाटा मोटर्स निकल गई है एक कदम आगे और उसने फीचर्स को भी अपग्रेड कर दिया है, ना सिर्फ सेफ्टी फीचर्स बल्कि आपके कंफर्ट को भी और दूसरी कई चीजों को अपग्रेड कर दिया है। तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आराम बढ़ा, तो ये सब चीजें लेके कस्टमर को, जो कमर्शियल व्हीकल का कस्टमर है, पैसा कमाने का जरिया बढ़ा और साथ में उसकी आराम और सेहत को भी फायदा हुआ। तो RDE नॉर्म्स और टाटा मोटर्स के BS6 फेज 2 कंप्लायंट कमर्शियल व्हीकल के बारे में हमने बहुत कुछ सुन लिया है। अब हम सुपर एक्साइटेड हैं इन्हें देखने के लिए और ये समझने के लिए कि ये किस तरह से ग्राहकों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। तो आइए चेकआउट करते हैं इन व्हीकल्स में क्या कुछ नया है। तो भैया, टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल व्हीकल को BS6 फेज 2 में अपग्रेड करते हुए चार चीजों का खास ख्याल रखा है। नंबर एक चीज है, इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया गया है, जिसके तहत आती है पावर और टॉर्क, इनको बेहतर किया गया है। नंबर टू है, इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बेहतर कर दी गई है। नंबर तीन है, आपके कंफर्ट और कन्वीनियंस का ध्यान रखा गया है। और चौथी चीज़ है जिसमें टाटा मोटर्स सबसे आगे आती है, वो है सेफ्टी। अपने कमर्शियल व्हीकल में भी टाटा मोटर्स ने सेफ्टी फीचर्स का खास ख्याल रखा है। इसका एक उदाहरण ये भी है कि टाटा मोटर्स लेकर आई है देश का पहला कमर्शियल व्हीकल जो कि ADAS फीचर के साथ लाया गया है। तो इन चार चीज़ों के खास ख्याल रखने के साथ ही कंपनी ने अपने BS6 फेज 2 में अपग्रेड कर दिया है इन व्हीकल्स को। आइए एक एक करके इनके लाइनअप को चेकआउट करते हैं। तो ये है टाटा एस, जो कि कंपनी का सबसे सस्ता कमर्शियल व्हीकल है। इसको छोटा हाथी भी कहा जाता है और गाँव से लेकर शहरों तक इसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है। कंपनी का दावा है कि ये देश के सबसे ज्यादा बिकने वाले मिनी ट्रक्स में से एक है। BS6 फेज 2 में कंपनी ने इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर दिया है, जिसकी वजह से अब इसे चलाने वाले जो चालक हैं वो ज्यादा ट्रिप्स कर सकते हैं। और इसका फायदा है कि आप हर महीने 5,000 रुपए तक ज्यादा कमा सकते हैं। तो ये है टाटा इंट्रा, जो कि कंपनी का एक पिकअप ट्रक है। चार वेरिएंट में आता है, V10, V20, V30 एंड V50। तो कंपनी का कहना है कि BS6 फेज 2 की वजह से इसकी कीमत भले ही 35,000 रुपए तक बढ़ गई हो, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई है, इसका माइलेज भी बढ़ गया है और कूलेंट डलाने का जो इंटरवल था वो भी अब बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपकी जो कमाई है वो 5 साल में करीब 1,00,000 रुपए तक ज़्यादा होने वाली है। तो ये है टाटा विंगर, जो कि कंपनी की एक मैक्सी वैन है। ये जो वेरियंट है जिसमें हम बैठे हैं, ये ड्राइवर के साथ 15 पैसेंजर्स को ले जाने की क्षमता रखता है। कंपनी का कहना है कि BS6 फेज 2 में इसकी ड्राइवेबिलिटी को बेहतर किया गया है, अब ये 3rd, 4th एंड 5th गियर में बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली है। तो इस जो मैक्सी वैन का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है स्कूल के लिए, ट्रैवल के लिए, एम्बुलेंस वगैरह के लिए किया जाता है।
सिर्फ छोटे व्हीकल ही नहीं, कंपनी ने अपने बड़े बड़े ट्रक्स में भी कई सारे नए फीचर्स दिए हैं। इनमें वॉक थ्रू कैबिन दिया गया है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ स्टीयरिंग दिया गया है, गियर शिफ्ट एडवाइजर मिलता है, साथ ही इनमें एडेस जैसे फीचर भी जोड़ दिए गए हैं। ये है कंपनी का ICV यानी इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल ट्रक। कंपनी ने इसके इंटीरियर को भी बेहद खास बनाया है। पहले तो आप ये वाली सीट देख लीजिए, इतनी बड़ी है कि कोई भी पैसेंजर या ड्राइवर के साथ काम करने वाला व्यक्ति या खुद ड्राइवर भी इस पर आराम से सो सकता है। बीच में आपको जैसे गाड़ियों में आर्मरेस्ट मिलता है ना, वैसे आर्मरेस्ट दिया गया है विद कप होल्डर्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने में लग रहा है और डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी ट्रक के मुकाबले तो काफ़ी प्रीमियम ही कहा जाएगा। डैशबोर्ड में स्टोरेज भी मिल जाती है, तो कुछ इस तरह का अंदर से नज़र आता है ये ट्रक। यानी सिर्फ बाहर से नहीं, बाकी फीचर्स को भी इसमें इंटीरियर में अपग्रेड किया गया है। तो कुछ ऐसा था टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल का लाइनअप, जो कि अब BS6 फेज 2 यानी RDE नॉर्म्स के मुताबिक अपग्रेड हो गया है। बहुत सारे नए फीचर्स जोड़े गए हैं जिनमें से ज़्यादातर हमने दिखाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी अभी भी कई फीचर्स हैं जो कि रह गए हैं दिखाने से। इतनी लंबी लिस्ट है इनके फीचर्स की। तो कुल मिलाकर ये जो इवेंट रहा काफ़ी एक्साइटेड था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। भाई इवेंट में हम बहुत जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ से अगर कुछ सीखने को मिले, कुछ नया देखने को मिले, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमर्शियल व्हीकल की एक टेस्ट ड्राइव का वीडियो भी हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।